जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम माँ कामाख्या शक्तिपीठ की महिमा पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। शक्तिपीठों की महिमा और कथा को समझने के लिए हमें पुराणों और पौराणिक कथाओं को समझना हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति एक बार अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा दक्ष ने त्रिलोकी की दो महा शक्तियां ब्रह्मा और विष्णु समेत और कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु राजा दक्ष ने इस यज्ञ में अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस बात का पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा और वो क्रोध में आकर के पिता के घर पहुंच गई। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां यज्ञ का आयोजन चल रहा था और सभी देवी देवताओं को भिन्न भिन्न आसनों पर विराजमान देखा, परंतु भगवान शिव का कोई आसन नहीं था। और भगवती सती जो आदि भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप मानी जाती है, उन्होंने अपने आप में हीन भावना महसूस की और अपना अपमान और भगवान शिव का अपमान समझा। तो कहते हैं कि देवी सती को भगवान शिव के इस अपमान से इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और सती का दग्ध शरीर अपने कंधों पर उठा करके क्रोध में तांडव करने लगे। माँ के भगत और पुजारी सुबह दोपहर और शाम तीन बार मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। माँ की इस आराधना को साहिना पूजा नाम से जाना जाता है। माँ का ये स्थान तांत्रिकों के लिए वरदान माना जाता है। भूत प्रेतों से परेशान लोग माँ के दरबार में पहुँचते ही ठीक हो जाते हैं। इस चमत्कारी मंदिर में हर साल जून महीने में अंबुवाची एक विशाल मेला लगता है। यहाँ पहुँचने वाले दीन दुखियों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ के दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, नहीं लौटेगा। जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो माँ के मंदिर में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन करते हैं। माँ कामाख्या मंदिर की गाथा जितनी पुरानी है उतनी ही पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। पुराणों के अनुसार कूच बिहार रियासत के राजा विश्व सिंह ने माँ के इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद 1564 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया। कई वर्ष ये मंदिर ऐसा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, लेकिन राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। वैसे तो वर्ष भर माँ कामाख्या के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजन पोहानविया दुर्गा देवल वसंत की पूजा मदान देवल अंबुवाची और मनासा पूजा के समय इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। बात करते हैं इसी संदर्भ में इस मंदिर के। गुवाहाटी शहर में कामाख्या मंदिर नीलांचल के पहाड़ों पर बसा हुआ है। कामाख्या एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर की पूजा होती है जिसे देवी की योनि माना जाता है, जिसके ऊपर से एक प्राकृतिक फवारा निकलता है। कालिका पुराण में इस मंदिर के बारे में काफी वर्णन है। इसके मुताबिक इस देवी को कामाख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ अपनी शारीरिक
कामनाओं की पूर्ति के लिए आए थे। एक दिन कोच वंश के राजा नर नारायण को मालूम पड़ा कि देवी कामाख्या मंदिर में अवतरित हुई है। उनके मासिक धर्म का काल चला हुआ था और वो जो है नग्न अवस्था में मंदिर में नृत्य कर रही हैं। राजा ने मंदिर के पुजारी को निर्देश दिए कि वे देवी को नाचते हुए देखना चाहता है। पुजारी ने राजा को चिताया कि ऐसा कर उसे देवी के क्रोध का भाजन बनना पड़ सकता है, पर राजा ने सुना नहीं और मंदिर की दीवार की दरार से झांककर देवी को नृत्य करते हुए देखने लगा। देवी ने उसे देख लिया और श्राप दिया कि अगर उसने आगे से कभी इस मंदिर में कदम रखा तो उसका पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। राजा को बहुत दुख हुआ। अपराध बोध से भरे राजा ने अपने राज्य की सभी औरतों को ये निर्देश दिए कि महामारी यानी मासिक धर्म के समय वो घर के अंदर ही रहें ताकि उन्हें कोई देखे ना। ये कितना दुखद, हास्यास्पद और इसके साथ साथ क्रोध से भर देने वाली बात है। नाचती हुई देवी को उनकी मर्जी के खिलाफ देखना तो राजा का दोष था, परंतु सजा उसने अपने राज्य की सभी औरतों को दे दी। उन्हें घर में कैद कर इस कहानी से औरतों की पवित्रता और पुरुष की सत्ता के बीच का रिश्ता स्पष्ट